नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के एन मौर्या और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल के एन मौर्या जहर मुक्त खेती। और मैं आज बात करूंगा गन्ने किसानों के लिए एक नई तकनीक आपको बताऊंगा, बिल्कुल ही जिस तरीके से हमारे प्रगतिशील किसान खेती कर रहे हैं वो आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ देंगे। जैसे आप गन्ना का मुड्डा छोड़ते हैं या गन्ना बुआई करते हैं, गन्ने का मुड्डा छोड़ते हैं, मुड्डा में काम आएगा और बीच में गैप ज़्यादा पड़ जाए तो हमारा किसान क्या करता है कि वो जगह बेकार हो जाती है उसके लिए, वो जगह बेकार हो जाती है। लेकिन यदि उस जगह को भी हम फुलफिल कर लें तो कैसे उत्पादन हमारा बढ़ेगा और कैसे फुलफिल करना चाहिए, आइए सीखते हैं आज। जी हजीत जी बताइए। जैसे ये गन्ना था, ये लास्ट ईयर का, ये लास्ट ईयर का गन्ना है, ठीक है। अब ये मैंने कल्ला छोड़ दिया तो इसमें मेरे करीब 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 6 गांठ का गन्ना बन गया है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 का सातवां भी तैयार हो गया है। अब नीचे वाले में इसने प्लांट देना शुरू कर दिया है, ये ठीक है। अब हम इसको काट के रीप्लांट कर सकते हैं 6 जगह। अच्छा, इसको काटेंगे आप? 6 जगह मैं इसको काट के रीप्लांट कर दूंगा। छोटा छोटी गुल्ली उसकी बना लेंगे और रीप्लांट कर देंगे। सीड ट्रीटमेंट दूंगा पहले इसमें, सीड ट्रीटमेंट में डुबो करके 4 घंटे के लिए, इसमें जर्मिनेट जल्दी करेगा। सीड ट्रीटमेंट में कितने पानी में क्या कैसे भिगोते हैं? मैं इसको भाई साहब, जैसे अब ये क्विंटल गन्ना बन जाएगा मेरा, हाँ। तो मैं 50 ग्राम ले लूंगा एसटी, हाँ। और उसमें 2-3 लीटर पानी ले लूंगा, वो भीग के आराम से भीग जाता है। 3 लीटर पानी में एक क्विंटल गन्ना 5-7 लीटर पानी में, मतलब इतना पानी हो कि डूब जाए उसमें। अच्छा, डूब जाए सारा गन्ना पानी पी ले वो, अगर बचता है तो गन्ना लगाकर फिर उसके साथ जमीन में डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको अलग अलग जगह पे प्लांट कर दूंगा और यही गन्ना हमें टेलर देना शुरू कर देगा। 1 महीने में ये टेलर हम आ जाएगा, मदर सूट फिर तोड़ दिया जाएगा तो 5-5, 6-6 टेलर हमारे बन जाएंगे इस गन्ने के साथ, ठीक है। और वो 5 टेलर अगर हमने 2-2 किलो के भी कर रहे, 10 केजी हमारा एक जड़ पे वेट आ गया और 500 ग्राम गन्ने बना लिया हमने तो 50 क्विंटल वेट हमारा एकड़ का। मतलब इस तकनीक से हमारे खेत में कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ेगी, नहीं बचेगी खाली जगह। अच्छा, इसके लिए अगले साल इस गन्ने को आपने छोड़ा है पिछले साल से? नहीं, जैसे टिलर आया था लास्ट ईयर का तो लोग काट देते हैं तो मैं रखता हूँ कि मेरा 200-300 टिलर मेरे पास रहता है कि जिससे मैं ये काट के। मतलब पिछले साल जो टिलर थे आपने गन्ना कटाई में काटा नहीं? काटा नहीं, कुछ उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया जी, बहुत सारे लोग तो बिल्कुल काट देते हैं, ये टिलर छोड़ देता हूँ। अब ये नीचे से जब मैं इसे काटूंगा तो ये भी मल्टीप्लाई करेगा नीचे से। अच्छा, ये भी 3-4 टिलर और देगा और इसका मैं गन्ना बनाऊंगा वो अलग। यदि ऐसे 500 प्लांट भी हमने रोपित कर लिए और एक प्लांट को 10 किलो के पास ले गए एक जड़ को 10 किलो के पास ले गए तो हमारा गन्ना 50 क्विंटल बढ़ जाएगा। तो मित्रों, मैं आपसे भी चाहूंगा कि निश्चित रूप से जैसे अब दिखाएं, एक तो गन्ना देख लिया आपने खाली जगह, अब इसको कहाँ रोपेंगे हजीत जी, इसको थोड़ा सा दिखाइए। आइए देखते हैं, ये जगह देखिए गैप है ज्यादा, तो इसको यहाँ बीच में लगाएंगे, इसको बीच में लगा देंगे। तो इस तरह आप भी अपने गन्ने में पैदावार को बढ़ाएं और अपने गन्ने में जो खाली जगह है उस गैप को भरें और उत्पादन को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, कोई भी दिक्कत हो अजीत जी का नंबर है, आप कॉल करके उस पर इनसे एडवाइस ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी।